हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग गाइस। दिस साइड मनप्रीत, आपका आज का होस्ट और दोस्त। और गाइस, आज आप सारे आए हो इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड मुझे उस टॉपिक पे बोलने में बड़ा मजा आता है क्योंकि उस टॉपिक से हमें पैसे आते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान या इनकम प्लान। तो जिन जिन लोगों ने कल अप वाई का सेशन लगाया होगा या बिजनेस को देखा है, तो उनको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अभी तक आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है कि फॉरएवर की पावर क्या है। असली पिक्चर तो अभी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो पिक्चर को एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ट्रेनिंग्स के ऊपर। सो ट्रेनिंग्स लगाइए, दो चार ट्रेनिंग्स लगाने के बाद आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि काम कैसे करना है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी कंपनी की इंट्रोडक्शन दोबारा दे देता हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी का नाम है जिसके साथ हम एसोसिएटेड हैं, एंड मैं अपनी खुद की बात करूं तो लगभग मुझे 5 साल हो चुके हैं फॉरएवर लिविंग के साथ वर्क करते हुए। और गैस, हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं उनका नाम है मिस्टर रेक्स मोगन। और रेक्स मोगन सर की जो पर्सनैलिटी है ना, बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटी है, अल्टीमेट पर्सनैलिटी है। और हमेशा इनका यही मोटिव रहा है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, पीपल बिफोर बिजनेस, ये इनका एक मोटो है कि हमेशा लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस से आगे रहते हैं। कभी भी कोई कंपनी की पॉलिसी चेंज होती है, हमेशा ही वो कंपनी की पॉलिसी जो होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के हक में चेंज की जाती है। अच्छा, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं ना इस सेशन में, या जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन की है, जिन्होंने अपना बिजनेस में रजिस्टर करवाया, उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है लास्ट में, ठीक है। लास्ट वाली स्लाइड में एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है जो आपको पता लगेगा, और उसके बाद आप भी यही सोचोगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सच में बहुत ही अल्टीमेट कंपनी है, एंड हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचती है। तो बैकग्राउंड की बात करूं, फॉरएवर आज से नहीं, लगभग 42 ईयर से काम कर रही है, और इंडिया में सिंस 2000 स्टार्ट हुई थी, और लगभग 20-21 साल इंडिया में हो चुके हैं, और इंडिया की 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो चुकी है, 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और फॉरएवर सिर्फ ऐसी कंपनी नहीं है जो 1, 2, 4, 6 कंट्रीज में काम कर रही है, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हो, एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जितनी कंपनीज ले लो आप, सारी की सारी को कंबाइन कर लो, ठीक है गाइस, आपको एक भी ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जो 170 देशों में काम कर रही है। 169 कंट्रीज मायने रखाता है, ठीक है ना। आप सोच के देखो, एक कंट्री में बिजनेस रन करने के लिए कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, समझ रहे हो ना। तो बट फॉरएवर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 169 कंट्रीज में काम कर रही है। बहुत बड़ा एम्पायर है फॉरएवर का, बहुत बड़ा। तो हमें फॉरएवर वो अपना एम्पायर हैंड ओवर कर रही है कि आप मेरे साथ आओ और इस एम्पायर में आप अपना एम्पायर बिल्ड करो, अपना बिजनेस बिल्ड करो, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। फॉरएवर की अपनी एक सिस्टर कंपनी है जिसको बोलते हैं फॉरएवर रिजॉर्ट्स। इसके बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉरएवर रिजॉर्ट्स का पेज फॉलो कर सकते हो। और बात करूं सर्टिफिकेशंस की, देखो आप सभी ने 10th की होगी, ठीक है, हाई स्कूलिंग की होगी, प्लस टू किया होगा। अभी मैं कैसे मान लूं कि आप प्लस टू पास हो या फेल हो या नहीं किए या करिए, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, 10th पास का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये कुछ सर्टिफिकेशंस मिली हुई है फॉरएवर को, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को, फॉरएवर कंपनी को, जो ये बताती है कि ये कंपनी ऑलरेडी ये सारे टेस्ट पास कर चुकी है। आप इन प्रोडक्ट इन सर्टिफिकेशंस को अच्छे से जानना चाहते हो, आप गूगल पे जाके इनको सर्च कर सकते हो। मैं नाम बता देता हूँ, पहली सील आती है IASC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, जो उन प्रोडक्ट्स को मिलती है जो एलोवेरा में डील करते हैं और बेस्ट एलोवेरा प्रोड्यूस करते हैं। अगर 1% भी इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है तो वो कंपनी को ये सील नहीं मिलती। गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे को अभी भी याद आया पॉइंट, काफी टाइम पहले मैं ट्रेनिंग लगा रहा था, वहां पे किसी ट्रेनर ने मेरे को ये बात बताई थी। एक बार क्या हुआ, फॉरएवर जो अपना प्रोडक्शन प्लांट है ना यूएसए के अंदर, वहां पे एलोवेरा टेस्टिंग होती है, एलोवेरा टेस्टिंग करते हैं पहले, लगभग 300 से ज्यादा टेस्ट होते हैं एलोवेरा के ऊपर, हर तरह का टेस्ट होता है, प्योरिटी का, ठीक है ना, हर चीज का टेस्ट होता है वहां पे। तो अगर वो टेस्ट के अंदर ना एक भी टेस्ट फेल हो जाए, 300 में से एक भी टेस्ट फेल हो गया, तो फॉरएवर सारे का सारा वो जो लोट होता है ना, जितने भी गैलन्स ऑफ वो एलोवेरा होता है, उसको सारी को रिजेक्ट कर देती है।
और आपको यहाँ पे एक प्राउड होने वाली बात बताता हूँ, जो वो रिजेक्टेड एलोवेरा होता है ना, वो लेने के लिए बाहर दूसरी कंपनीज ने लाइन लगाई होती है कि ये रिजेक्टेड एलोवेरा आप हमें दे दो, हम इससे अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे। गाइस ये फॉरएवर है, फॉरएवर इज इक्वल टू क्वालिटी, क्वालिटी भी, क्वालिटी के अंदर कभी भी आपको फॉरएवर के अंदर आके कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको फॉरएवर के अंदर मिलेंगे। कोशर रेटिंग मतलब एक छोटा बच्चा भी इसको यूज कर सकता है, दूसरी सीलेज है, एम हलाल अरब कंट्री से मिली हुई है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, अभी मैं बात करता हूं कि एफएलपी का जो बिजनेस है वो कैसे चलता है। गैस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आपने बिजनेस शुरू करना है, आपको एक आउटसोर्सिंग चाहिए होती है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने फोन बनाना है, आपने फोन के अंदर डील करना है, फोन का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको फोन बनाने के लिए जो भी पार्ट्स चाहिए मतलब बाहर से लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, कोई बनाने के लिए किसी को देना पड़ेगा, आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मैन्युफैक्चर करने के बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, होलसेलर आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट होगी, रिटेलर आएगा, दुकानदार आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद कंज्यूमर आता है, ठीक है ना, आप और मैं, हम कंज्यूमर हैं इस चीज के। तो ये सारी चीजों के अंदर क्या होता है, मिडलमैन बहुत आ गए तो ऑब्वियसली प्राइस तो इंक्रीज होगा, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपना कमीशन रखना है, कोई 2 रखेगा, कोई 5 रखेगा, कोई 10 रखेगा, तो ये परसेंटेज होती है उनके कमीशन की। तो ये जा रहा है तो वो जा कहां से रहा है, क्या वो बिजनेसमैन दे रहा है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो नहीं दे रहा, कौन दे रहा है, आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूं, हम कंज्यूमर यहाँ पे पैसा दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो मिडल मैन है। तो फॉरएवर ने एक सिंपल सा बिजनेस किया कि भाई ठीक है, प्रोडक्ट मैं तैयार कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग मेरी, सारा कुछ मेरा, पर ये मिडल मैन हम उड़ा देंगे, जो मिडल मैन थे वो हमने गायब कर दिए और उसकी जगह हमने अपना एक एफबीओ रख दिया, आप मैं फॉरएवर के क्या है, फॉरएवर बिजनेस ओनर, एफबीओ, ठीक है, हम लोग क्या है, फॉरएवर के बिजनेस ओनर्स है। हमारा काम क्या है कि हमने फॉरएवर के बिजनेस को और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उनको प्रमोट करना है, उनको बताना है, लोगों को अवेयर करना है अबाउट द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अगर आप ये काम करते हो तो वही पैसा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उन लोगों की पॉकेट में जाना था, वो वही पैसा यहाँ पे एफबीओ को मिलता है। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे 70% जो पैसा उन लोगों को जाना था, वो 70% पैसा यहाँ पे एफबीओस कमाते हैं। यही रीजन है कि हम यहाँ पे 2-2, 3-3 लाख, 10-10 लाख के भी पे आउट आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और अगर बात करूं एफएलपी का जो बिजनेस प्लान है, वो जनरेशन प्लान है। बहुत सारी कंपनीज में आप देखोगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बाइनरी, मैट्रिक्स, हाइब्रिड, ऐसे ऐसे प्लान्स होते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल आपको नहीं बताएगा। हम क्यों बता रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी, हम क्वालिटी वाले लोगों को लेके आना चाहते हैं, हमें यहाँ पे घोड़े चाहिए, ठीक है ना, गधे नहीं चाहिए। तो हम पहले ही गाइड करते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे एक के नीचे एक लगाना है, ये करना है, एक प्रॉपर बिजनेस है। फ्रेंचाइजी मॉडल को जानते हो, फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह हम यहाँ पे अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो धोखे में रखती हैं आपको और बताती है कि आप यहाँ पे आओ पैसा कमाओगे, बट वहां पे क्या होता है, बाइनरी होता है। बाइनरी में क्या होता है, 2 लेग्स होती है, वो आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। अगर एक लेग में भी बंदे कम है तो दूसरी लेग में ज्यादा हो गए, आपको उस महीने पे आउट नहीं आएगा। वहां पे लोगों को कई कई बार 6-6 महीने भी वेट करना पड़ता है अपना पे आउट लेने के लिए। बट जनरेशन प्लान क्या है, जनरेशन प्लान में आपको हर मंथ आपकी टर्नओवर पे पैसा आता है। अभी गाइस सोच के देखिए, एक बिजनेस किस पे चलता है, टर्नओवर पे चलता है। आप लोगों को पता है कोई भी बिजनेस है, जब उसकी टर्नओवर इंक्रीज होगी तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो हमारा जो जनरेशन प्लान है वो टर्नओवर के ऊपर चलता है। आप इसको डीप में अंडरस्टैंड करो, जनरेशन प्लान क्या होता है। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है गाइस, तो सिर्फ और सिर्फ जनरेशन प्लान में ही करना, बाकी जो प्लान्स हैं वहां पे हो सकता है आप थोड़ी बहुत ही सक्सेस ले लो, बट वो लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तो पैसा कमाओगे, उसके बाद जीरो, आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। इससे अच्छा एक ऐसी स्टेबल कंपनी के साथ ज्वाइन हो जहां पे प्रूव्ड हो सारा कुछ, ठीक है गाइस। अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, तो आप खुश हो सकते हो थोड़ा, यू कैन बी हैप्पी। अभी मुझे ये ना सबसे बड़ी एडवांटेज भी लगती है और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी लगती है। एडवांटेज क्या है गाइस, एडवांटेज ये है कि
जैसे आप लोगों, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज पता क्या है, कई बार हमारा माइंडसेट होता है ऐसा कि भाई मेरा कौन सा कुछ लगा हुआ है, ठीक है मैंने कौन सा कुछ इन्वेस्ट किया है, चल गया तो ठीक है नहीं तो छोड़ देंगे। गाइस ऐसे माइंडसेट के साथ कभी भी बिजनेस डेवलप नहीं होता, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, चाहे आपका कुछ लगा है चाहे नहीं लगा है। अगर आप सोच के देखिए 50-60 लाख लगा के अपना शोरूम ओपन करते, क्या उसको प्रायोरिटी देते या उसको भी यही बोलते कि चल गया तो ठीक है नहीं तो बंद कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं बोलते, आप बोलते कि भाई चलाना पड़ेगा, 60 लाख लगाया है तो 60 लाख की मेरे को ईएमआई भरनी पड़ रही है, मेरे को उतारना है ये, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को बिजनेस पे जाना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि भाई अभी नहीं मैं अगले महीने करूंगा, या अभी पापा नहीं मान रहे, या ऐसे एक्सक्यूजेस होंगे हमारे पास, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी अभी मैं मैरिज में जा रहा हूँ, आज मेरे दोस्त का बर्थडे। फिर हम ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं देते, फिर हमें पता होता है कि भाई 60 लाख लगाए पहले वो उतारेंगे, समझ रहे हो ना? तो इसको कभी भी दिमाग में मत रखना कि मेरा कुछ लग नहीं रहा, हमेशा यही सोचो कि भाई मैंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है तो मैं इसमें काम करूंगा और अपना 100% दूंगा। ऑनलाइन साइन अप फॉर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है, और कोई रिन्यूअल या कोई एनुअल फीस नहीं है, फ्री ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, और आपको सबसे बड़ी चीज क्या है, ग्लोबली काम करने का मौका मिलता है, और जितने भी फॉरएवर के लेवल्स हैं सारे के सारे परमानेंट हैं। रिवॉर्ड्स क्या है, देखो फॉरएवर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आपको 10 से 11 टाइप की इनकम आती है, 10 से 11 टाइप की। कुछ इनकम्स जो मेन मेन है वो आज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा इस मार्केटिंग प्लान में। सो गाइस बने रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बिल्कुल भी लीव करने की सोचना भी मत, क्योंकि गाइस अगली जो चीजें हैं ना वो बहुत अच्छी हैं, आपको उससे ही पता लगेगा कि कैसे इनकम जनरेट करनी है। तो एलिजिबिलिटी क्या है फॉरएवर के अंदर बिजनेस करने की, सबसे पहले आपका 18+ एज प्रूफ एज होनी चाहिए आपके पास, उसका प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ यानी कि आधार कार्ड दे सकते हो आप। उसके बाद आपने क्या करना है, माई फॉरएवर ऐप जाके डाउनलोड करनी है, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। माई फॉरएवर ऐप जाके डाउनलोड करनी है, जिन्होंने आपको इस बिजनेस के अंदर बुलाया है उनसे एक लिंक मांगना है कि सर मुझे ज्वाइनिंग लिंक दे दीजिए। माई फॉरएवर ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने ज्वाइनिंग लिंक मांगा, वो बंदा आपको ज्वाइनिंग लिंक भेजेगा, आपने उसको टैप करना है, आपका फॉर्म आ जाएगा, वहां पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, नाम, एड्रेस, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ जो भी मांगेंगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी विद इन सेकेंड्स, ठीक है ना, बड़ी जल्दी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, एक पॉजिटिव माइंडसेट भी चाहिए गाइस, ठीक है ना, यू कांट बिल्ड ए एम्पायर विद ए नेगेटिव माइंडसेट, तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आना पड़ेगा। और FLP का जो बिजनेस है दैट इज बेस्ड ऑन CC। अभी CC क्या चीज है, देखो गाइस फॉरएवर 169 कंट्रीज में काम कर रही है, तो हर एक कंट्री की अपनी करेंसी है, कहीं पे CC क्या, CC को क्या कॉमन करेंसी बोल देते हैं, कहीं पे डॉलर चल रहे हैं, कहीं पे दिनार चल रहे हैं, तो हमने उसको CC कर लिया ताकि ये हमें ना कोई समझ ऐसा ना हो कि आप इंडिया में काम कर रहे हो और आपने USA में सेल डलवाई, वहां पर डॉलर्स हैं, तो उसको कन्वर्जन करने में आपको दिक्कत आएगी। तो फॉरएवर ने सिंपली CCs रख दिए, 1 CC इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स, जब आपका 1000 पॉइंट्स का बिजनेस हो जाता है आपका 1 CC पूरा हो जाता है। अभी सबसे पहला हमारा लेवल क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होती है फर्स्ट स्टेप इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको 2 CC लेवल भी बोलते हैं। अभी गाइस 2 CC लेवल क्या होता है, जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तब आपको एक आईडी नंबर मिलेगा, लगभग 12 डिजिट्स का एक आईडी नंबर मिलेगा। उस आईडी नंबर के अंदर आपने लॉगिन करना है एलो स्टोर साइट पे जाके, ठीक है ना, वहीं माई फॉरएवर ऐप से मिल जाएगी आपको, और वहां पे आपको सारे के सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स के अंदर फॉरएवर डील करती है। अभी आपने क्या करना है, 2-4 दिन, 1 हफ्ता नॉलेज लेनी है प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से, और आपका पहला काम क्या होगा कि आपने प्रोडक्ट्स को शेयर करना शुरू कर देना, यू हैव टू शेयर द प्रोडक्ट्स। दो चीजें, फर्स्टली स्टार्टिंग करनी है, हम शेयर करेंगे प्रोडक्ट्स को जब तक हमारा 2 CC नहीं हो जाता। 2 CC इज जस्ट लाइक एन एंट्री लेवल, जिसको बैरियर लेवल बोल देते हैं, ये एंट्री होती है इसके बाद आपका बिजनेस में, क्योंकि गैस जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आप आते हो एज ए कस्टमर, फॉरएवर को लगता है कि आप एज ए कस्टमर आ रहे हो और हमारे प्रोडक्ट्स यूज करने आते हो। जब आप 1-2 महीनों के अंदर अपनी 2 CC की टर्नओवर पूरी कर देते हो, उसके बाद फॉरएवर आपको अपना बिजनेस हैंडओवर कर देती है। 2 CC का मतलब 30,000 की टर्नओवर, ठीक है जी, 29 to 30,000 की टर्नओवर। अभी ये नहीं है कि आपने 30,000 अपनी जेब से इन्वेस्ट करना है, आपको ये लग रहा होगा कि मैंने मम्मी पापा से 30,000 लेके लगाना है, गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस बिजनेस इज नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती।
आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है और इनको शेयर करना शुरू कर देना है अपने आस पड़ोस में। कोई 1000 का ऑर्डर लेगा, कोई 3000 का, ऐसे आपका 2CC कंप्लीट हो जाएगा। मेरा विद इन 7 डेज हो गया था, विद इन ए वीक, ठीक है। और उसके बेनिफिट्स क्या हुए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और उसके बाद जैसे ही आपका 2CC होता है, आपको 30% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है और 5% आपको पर्सनल बोनस, मतलब कि आपका टोटल डिस्काउंट हो जाता है 35%, ठीक है जी। और उसके बाद आपको कमीशन आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपने अपना 2CC लेवल डन कर लिया, फर्स्ट लेवल होता है, उसके बाद आप किसी को रिक्रूट करते हो, तो उसकी रिक्रूटमेंट होने के बाद वो जो भी बिजनेस करेगा, 5000 का, 10000 का, 30000 का, 50000 का, ठीक है ना, आपकी टीम में जितना भी टर्नओवर होगा, आपने किसी को ज्वाइन करवाया, आपको उसका 20% कमीशन आएगा, 50% ऑफ परचेज अमाउंट प्लस 5% ऑफ देयर पर्सनल बोनस, ठीक है जी। 20% आपको उस बंदे का कमीशन आएगा, मतलब कि अगर 30000 की टर्नओवर करवाई आपने तो आपको लगभग 6000 का प्रॉफिट आएगा, 6000 का कमीशन आएगा। और यहां तक हमारा कुछ भी लगा नहीं है गाइस, सोच के देखिए, ठीक है जी। और आपको भी पता है सिंपली 1 महीने के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स 1.5-2-3 लाख की टर्नओवर करवा देते हैं। तो 3-3 लाख की टर्नओवर करवा के अगर आप उसका 20% निकालोगे 3 लाख का, तो आपके सामने गाइस कितना आएगा, लगभग 50-60 हजार। तो 50-60 हजार इनकम लेने के लिए आपको पता है कि जॉब में कितना प्रोफेशनल होना पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन, आपका एक्सपीरियंस कितना चाहिए अगर आपने जॉब के अंदर 60,000 महीने का कमाना है। बट यहाँ पे नीड नहीं है, यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस, जस्ट आपको थोड़े से स्किल सीखने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद आगे कुछ लेवल्स होते हैं, और कोई भी लेवल आपने 2 महीने में अचीव करना है। जैसे कि फॉरएवर लिविंग में जो लेवल्स होते हैं, पहला हो गया 2CC, उसके बाद आता है 25CC, उसके बाद आता है 75CC, उसके बाद आता है 120CC। ये 4 लेवल्स होते हैं। अभी 2CC हमने अचीव कर लिया, 25CC कैसे अचीव करेंगे? 25CC अचीव करने के लिए आपने करनी है रिक्रूटमेंट, आपने ये बिजनेस शेयर करना है लोगों को। अभी पहले तो हमारा जो बिजनेस था 2CC से पहले थे, वो तो था B2C, बिजनेस टू कस्टमर, आप कस्टमर तक पहुंच रहे थे। जैसे ही आपका 2CC लेवल डन हुआ, आपका बिजनेस हो गया B2B, मतलब कि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। तो B2B बिजनेस करना है, मतलब कि आपने लोगों को प्रोडक्ट शेयर नहीं करना, आपने लोगों को ये बिजनेस शेयर करना है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स अपना बिजनेस शेयर कर रहा है लोगों को, फ्रेंचाइजी बांट रहा है कि भाई तू भी ले तू भी ले। स्टारबक्स अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है लोगों को, वो B2B बिजनेस है, वो बिजनेस देते हैं लोगों को। ऐसे ही हमने भी B2B काम करना है। तो जैसे ही आपका 2CC लेवल डन हुआ, आपने अगर 13 लोगों को अपने बिजनेस में रिक्रूट करवाया, उनको बिजनेस दिया, उन लोगों ने अपना 2CC लेवल डन किया, तो आपके कितने हो गए टोटल 25। मान लीजिए पहले मंथ में आप 10CC का काम करते हो, अगले महीने में 15CC का काम करते हो, टोटल हो गया 25 और आप बन जाते हो सुपरवाइजर। अभी गाइस यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर किसी महीने के सीसी के साथ अपना लेवल अचीव कर लेते हो, आपके तब भी वो सीसी वहीं पे रहते हैं अगले लेवल के लिए भी, मतलब अगले लेवल के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे सेकंड और थर्ड मंथ में आपके 15 और 60CC होते हैं, तो 60CC और 15CC का टोटल करोगे 75CC हो गए। अभी वो 60CC जो थर्ड मंथ में होते हैं, वो तो हमारे असिस्टेंट मैनेजर में यूज हो गए, बट फिर भी वो पड़े रहेंगे कि आप इसके साथ अपना मैनेजर भी निकाल सकते हो। कैसे, सोच के देखिए कितनी एथिकल कंपनी है। वही 60CC आपके अगले मंथ भी यूज हो जाएंगे। आप थर्ड और फोर्थ मंथ में 60 और 60CC का काम कर दो, आप बन जाते हो मैनेजर, ठीक है जी, जो कि हमारा ड्रीम लेवल होता है। उसके बाद एक और गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि अगर आप 120CC के साथ 2 महीनों में नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि 2 महीने में मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो गाइस आपके लिए गुड न्यूज है कि आप 4 महीनों में भी अपना लेवल कर सकते हो। अगर आप कंसेक्यूटिव 4 महीने 150CC कंप्लीट कर देते हो, मान लो पहले महीने 20CC, अगले महीने 30CC, अगले महीने 40 और अगले महीने 60, जैसे भी मान लो, जैसे भी आप करना चाहते हो, इसकी कोई भी ऐसे नॉर्म्स नहीं है कि 20-30 होने चाहिए, आप जैसे भी मर्जी कर सकते हो, बट टोटल 150 होना चाहिए। 150CC टोटल हो गया, आप बन जाते हो मैनेजर, ठीक है। दो तरीके हैं, 120CC के साथ अगर आप 2 मंथ में करना चाहते हो, अगर आप 4 मंथ में करना चाहते हो, तो आप 150CC के साथ मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो। अभी गाइस मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारा बिजनेस एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। ये एग्जांपल के साथ आपको परफेक्ट एक इमेज बन जाएगी दिमाग में कैसे वर्क करना है। मैंने आपको बताया था कि 1CC इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। तो मान के चलो आप 10 एलोवेरा जेल का काम करते हो, तो एक एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिले हुए हैं। 10 एलोवेरा जेल का मतलब 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 1CC, और 1CC की वैल्यू कितनी है इंडियन रुपीज में, 15,000। तो आपने फॉरएवर को देखा, आपको फॉरएवर अच्छी लगी, आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को देखा, आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, आपने 30,000 की टर्नओवर कर दी, ठीक है गाइस।
अभी आपने 30,000 की टर्नओवर कंप्लीट की 5-10 दिन में अपनी, उसके बाद आपको क्या मिले, 2cc मिल गए, क्योंकि 2cc इज इक्वल टू 30,000, ठीक है। 15,000 का 1cc होता है, तो 30,000 का काम किया, आपको 2cc मिल गए। अभी आपने क्या किया, बिजनेस शेयर किया अपने किसी फ्रेंड के साथ, उसको भी फॉरएवर के बारे में बताया, उसको भी फॉरएवर बहुत अच्छी लगी, उसने बोला कि भाई मुझे भी कोई स्टार्टअप करना है, मुझे भी कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मैं भी शुरू करता हूँ। उसने भी अपनी आईडी में 30,000 का काम किया, अभी उसको भी क्या मिले, 30,000 का काम करने के लिए 2cc मिले। अभी ध्यान से समझना यहाँ पे एक चीज, उसको तो 2cc मिले, बट आपने उस बंदे को शेयर किया था, जिसकी वजह से वो 2cc आपको भी मिले। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, किसी और की मेहनत का काम भी आपको मिल रहा है। क्या जॉब में ऐसा होता है कि सामने वाला मेहनत कर रहा है और आपको भी पैसे आ रहे हैं उसकी मेहनत के? बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की यही एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि यही इसकी वजह से ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। जो बंदा इस चीज को समझ गया ना, और ये समझदार बंदा ही समझेगा, जिसका माइंड मेच्योर है ना, वही इस चीज को समझेगा। बाकी जो चाइल्डिश सोच लेके बैठे हुए हैं, उनको यही लगेगा कि बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है ना, वो यही सोचते रहते हैं और यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद ए ने बी को दिखाया बिजनेस, बी को भी अच्छा लगा, उसने बोला मैं भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो उसने अपनी 30,000 की टर्नओवर कंप्लीट की, उसको भी 2cc मिले, ठीक है। अभी आपको पता है कि ए ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो ए को भी 2cc मिलेंगे। बट द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज दैट कि वो 2cc आपको भी मिलेंगे गाइस, बेस्ट थिंग, बेस्ट कि वही 2cc जो बी ने किए हैं वो ए को भी मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। ये कहां पे होता है, आप बताइए, ऐसा कहां पे हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन काम कर रहा है और उसकी मेहनत के सीसी आपको भी मिल रहे हैं? समझो इस बात को गाइस। तो आपने अगर सिर्फ ए को इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्या आप ए को ही करोगे, आप उसके साथ और भी दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाओगे? मान के चलो आपने 5 और दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाया, उन पांचों ने भी 2-2 CC किए, वो 2-2 CC आपको भी मिलेंगे। उन पांचों ने भी आगे 2-2, 3-3 लोगों को शेयर किया, उन्होंने भी 2-2 CC किए, तो वो सारे कितने सीसी हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं। तो आप सोच के देखिए गाइस, क्या सुपरवाइजर लेवल करना बहुत मुश्किल है इस तरीके से? बिल्कुल इजी चीज है, बिल्कुल, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि कैसे काम करना है, और ये भी सारा कुछ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। क्या करना है, डेली 3 लोगों को बिजनेस शेयर करो, 6 महीने यही काम किया, 540 लोग आ जाएंगे आपके साथ। 540 लोगों में से कितने लोगों को पैसा चाहिए? हर बंदे को चाहिए, पर क्या सारे आएंगे? बिल्कुल नहीं। कितने आ जाएंगे? 250 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 10% मान लेते हैं, 50 लोग आ जाएंगे आपके साथ। अगर 500 लोगों को बिजनेस बताया, उनको बिठाया कि भाई ये चीज देख, तो क्या 50 लोग आ जाएंगे? 50 भी नहीं आएंगे, चलो 15 मान लो, 15 लोग सीरियस आपके साथ आ जाते हैं कि सर हमने बिजनेस करना है। अभी 15 लोग अगर सिर्फ 7वें महीने में 4-4 CC का बिजनेस करते हैं, तो आपका 60 CC का बिजनेस हो जाता है। 8वें महीने में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, वही 15 लोगों ने 4-4 CC का काम किया, अगले महीने भी 60 CC टोटल हो गए, 120 CC आप बन जाओगे मैनेजर। दैट्स 8 महीने में मैनेजर, और मैनेजर की इनकम दिखाता हूं अभी मैं आपको, आगे जाके क्लैरिटी होगी आपको। उसके बाद एक और आती है टीम बोनस या वॉल्यूम बोनस। जब आप इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर बन जाते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी, आपने ए को इंट्रोड्यूस किया, ए ने बी को इंट्रोड्यूस किया, अभी बी को बिजनेस में लाने का आपका तो कोई रोल नहीं था, वो तो ए ने उसको लेके आया, ठीक है। बट उसकी सीसी तो आपको मिल ही रही है पूरी, 2 CC, उसकी टर्नओवर का पैसा भी आपको मिलेगा, ये कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि आपने तो उसमें मेहनत ही नहीं की, बट फिर भी उसकी मेहनत का पैसा आपको मिलेगा, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। आपने कोई, आप सुपरवाइजर बन गए और आपकी टीम के नीचे 12-15 बंदे हैं जो अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई 10,000 की बिलिंग करवा रहा है, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख की, कोई 2 लाख की, आपको सारे के सारे बिजनेस का 3% आएगा, काम वो कर रहे हैं आपको उनकी कमीशन आएगी, इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, और रॉयल्टी इनकम आनी शुरू हो जाती है आपको। असिस्टेंट मैनेजर पे क्या होता है, जब आप 75 CC कर लेते हो, तो आपको सुपरवाइजर टीम से 5% और असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8%, मैनेजर पे एएम टीम से 5%, सुपरवाइजर से 10% और असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13%, ठीक है गाइस। अभी ना आपको एक बहुत तगड़ी कैलकुलेशन बताने वाला हूं, ये थोड़ी स्लाइड्स मैंने अभी अभी बनाई है, तो इसमें एनिमेशन नहीं ऐड की, बट फिर भी मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। 1 CC की वैल्यू कितनी थी? 15,000, ठीक है गाइस।
1 cc इज इक्वल टू 15,000। तो अभी मैनेजर की मैं इनकम बताने वाला हूं आप लोगों को कि मैनेजर का पे आउट कैसे बनता है। ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेडफोन्स लगा लो, वॉल्यूम अप कर लो, एक एक चीज ध्यान से समझनी है। एक मैनेजर की टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा और असिस्टेंट मैनेजर भी होगा। ठीक है, मान के चलो जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, दो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसकी टीम के अंदर, और दोनों के दोनों असिस्टेंट सुपरवाइजर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद बंदे का टारगेट होता है कि मैंने अपना सुपरवाइजर अचीव करना है, और सुपरवाइजर अचीव करने के लिए उस बंदे को चाहिए होते हैं लगभग मंथली 15 से 20 cc का गोल होता है उसका। ये आपको दिख रहा होगा 15 × 2 मतलब टोटल दोनों ने मिलकर 30 cc का काम किया। अभी जो सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर बनता है 25 cc का काम करके, तो असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए उसको मंथली 37 से 40 cc का काम करना पड़ता है। हम अप्रोक्स लेते हैं 40 cc, दो लोगों ने 40-40 cc का काम किया, आपके टोटल हो गए 80 cc। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बनने के लिए मंथली 60 cc का काम करना पड़ता है, तो उसने 60 cc का काम किया, आपको मिले 60 cc। ठीक है गाइस, आप हो मैनेजर, तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से आता है 13% कमीशन, और सुपरवाइजर से आता है 10% कमीशन, असिस्टेंट मैनेजर से आता है 5%। तो अगर 30 cc का 13%, 1 cc इज इक्वल टू 15,000, 30 cc को 15,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 13% निकलेगा लगभग 58,000। सुपरवाइजर से 80% 80 cc मिले सुपरवाइजर से, तो आपको उसका कमीशन आया 10%, 1,20,000, और असिस्टेंट मैनेजर से आपको 45,000 आ गया। ये टोटल इनकम बन जाती है 2,23,000। ठीक है जी, 2,23,000 आपकी इनकम बन जाती है। अब ये 2,23,000 आप ही का है, आप ही को मिलना है, बट इसको लेने के लिए एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को कैसे पता लगेगा कि आप मेहनत करने के लिए आए हो या सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हो। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए आए हो तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, और उस काम करने का भी आपको पैसा मिलेगा। टू गेट दिस अमाउंट यू नीड टू डू एन एक्टिव क्वालिफिकेशन ऑफ 4 cc। आपको अपना पर्सनल काम करना पड़ेगा 4 cc का। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल्फ अपनी आईडी के अंदर 1 cc का काम करना है, और मैनेजर लेवल पे आपको अगर आप अपनी आईडी में 1 cc का काम करते हो तो आपको 18% कैशबैक आता है। 18% कैशबैक मतलब 2,500। ठीक है जी, उसके बाद आपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से 3 cc का काम लेना है, 1+3 मतलब टोटल 4 cc हो गए, 4 cc करने, 1 cc आपने अपनी आईडी में करना है और 3 cc आपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के करवाने, और वो 3 cc करने का आपको 33% कमीशन आता है। 15,000 मतलब 3 cc हो गए 45,000 का, 33% लगाओगे तो लगभग 15,000 आपको उनका कमीशन आ जाएगा। अब ये 2,23,000 लेने के लिए आपको ये काम किया, और इस काम का आपको कितना मिल गया, 17,500। 2,23,000 लेने थे, उसके लिए थोड़ा सा काम किया, वो काम के भी आपको पैसे मिल रहे हैं 17,500। टोटल कितना हो गया, 2,40,500। गाइस ये आपका बोनस बनेगा मैनेजर के बाद। सोच के देखिए, मैनेजर बनने के बाद आपका पे आउट 2,40,000 का। गाइस मैं चलो एक चीज मानता हूं, आपको लग रहा होगा कि हमने बधा चढ़ा के लिखा हुआ है ना, एक्स्ट्रा लिख दिया है ना, इंक्रीज कर करके लिख दिया हुआ। चलो मान के चलो आप इसका हाफ मान लो, 1,20,000 मान लो। 1,20,000 कमाने के लिए भी जॉब वाले को कितनी ज्यादा घिसाई करनी पड़ती है, कितना ज्यादा प्रोफेशनल होना पड़ता है। एक प्रोफेशनल की भी इनकम 1,20,000 नहीं होती। ठीक है, इंडिया के अंदर चलो उस 1,20,000 का भी हाफ कर लो, आपको वो भी ज्यादा लग रहा होगा, 60,000 हो गया इंडिया के अंदर। गाइस अगर आप गूगल करोगे ना कितने लोग 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, तो वहां पे रेशियो आएगी 0.5%। ठीक है, मतलब 1% से भी कम, 1% से भी कम लोग हैं, और हमारी आबादी कितनी है इंडिया की, 150 करोड़। और 150 करोड़ तो हम पिछले 5 सालों से सुन रहे हैं कि भी 150 करोड़ आबादी है, अभी तो पता नहीं कितनी होगी। ठीक है ना, तो 150 करोड़ आबादी में से सिर्फ 0.5% लोग, आधा परसेंट लोग 50,000 से ऊपर कमाते हैं महीने का। तो आप सोच के देखो, आपको उस कैटेगरी में डाल देगी फॉरएवर, और ये छोटी सी थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, इसको समझो गाइस, बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीज है। आपको आगे जाके क्लैरिटी होगी और अच्छे लेवल पे। 4 cc आपको क्लियर हो गया। रॉयल्टी इनकम
रॉयल्टी इनकम कब आनी शुरू होती है गाइस? आपने मैनेजर बने, आपने अपनी टीम्स में भी मैनेजर बनाने शुरू कर दिए। मान के चलो आपने अपने साथ पांच लोगों को मैनेजर बना दिया और वो पांचों लोग आपको मंथली 1-1 लाख रॉयल्टी दे रहे हैं मंथली। तो आपके पांच मैनेजर आपको 5 लाख रॉयल्टी दे रहे हैं, 5 लाख आपको बिना कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए 5 लाख रुपए इनकम आनी शुरू हो जाएगी। सोच के देखिए गाइस, ये रॉयल्टी इनकम है। उसके बाद अर्नड इंसेंटिव कार प्लान होता है। कार प्लान के अंदर आपको लेवल 1 अचीव किया तो 26,000 पर मंथ, 26,000 पर मंथ। लेवल 2 अचीव किया 39,000 पर मंथ। लेवल 3 अचीव किया 56,000 पर मंथ। और ये लगातार आपको 36 महीनों के लिए आएगा। तो आप सोच के देखिए गाइस, अगर 56,000 पर मंथ आ रहा है, कौन सी गाड़ी ले लोगे? 56,000 कोई भी लग्जरी ब्रांड, बीमर, मर्सिडीज ले सकते हो आप। ये कार प्लान, कार लेने के लिए भी फॉरएवर आपको पैसा एक्स्ट्रा दे रही है। जो पहले मैंने आपको पे आउट बताया ना 2,40,000, वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ आपको अगर 56,000 अलग से आ जाए। मैं आपको बता रहा था ना, सिर्फ एक टाइप की इनकम नहीं आती फॉरएवर में, 10-11 टाइप्स की इनकम आती है फॉरएवर। बड़ी जेन्युइन कंपनी है, बिल्कुल भी शक मत करना। लीडरशिप बोनस, आपको सिर्फ एक मैनेजर का पैसा नहीं आता, उसके नीचे मैनेजर का भी पैसा आता है, उसके नीचे मैनेजर का भी पैसा आता है, थर्ड जनरेशन तक पैसा आता है फॉरएवर के अंदर। समझो इस बात को, बहुत डेप्थ तक रॉयल्टी आएगी आप लोगों को। उसके बाद फॉरेन के ट्रिप्स, बहुत कुछ है फॉरएवर के अंदर। और चेयरमैन बोनस, जो हमारी सबसे बड़ी इनकम होती है गाइस, फॉरएवर अपनी जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर से 71% पैसा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देती है पहले ही। पर उसके बाद भी हमारी एक इनकम होती है जिसको बोला जाता है चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस के अंदर फॉरएवर अपनी प्रॉफिट का 3% फिर से बांट देती है। 71% पैसा पहले ही बांटा हुआ था, 3% और, मतलब 74% पैसा कंपनी बांट रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। कोई भी कंपनी इतनी जेन्युइन नहीं होगी। आप खुद सोचो यार, आपकी खुद की कंपनी होगी, आप वहां पे प्रॉफिट कर रहे हो, आप में से कितने ज्यादा लोग इतने लॉयल होंगे, इतने ज्यादा मतलब चैरिटी करने वाले होंगे कि आप अपनी एम्प्लॉयज को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 75% अपनी कंपनी की टर्नओवर का बांटोगे? मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा बैठा होगा यहाँ पे। अगर वो बैठा है तो कोई आई थिंक बहुत ही ज्ञानी ज्ञानी बंदा होगा जिसको पैसे से लेना देना ही नहीं है, तो वो रेक्सर है। इसीलिए रेक्सर को हमेशा मेरी सल्यूट होती है। उनके जैसी सोच वाला बंदा ना ही कोई आया है ना ही कोई आएगा। मेरे लिए रेक्सर मेरे ग्रैंडफादर की तरह है, मेरे दादाजी की तरह है, जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा बिजनेस सौंप दिया। समझो गाइस इस बात को, ठीक है जी। ऐसे कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे करोड़ों के चेयरमैन बोनस लेते हैं, हर साल लेते हैं, एक बार नहीं लेते, हर एक साल लेते हैं, हर साल। आनंद गांधी, सुनील गुप्ता जी, ठीक है जी, बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सूर्या सिन्हा जी लगभग 3,84,00,000 का सिंगल पे आउट, और इनकी मंथली इनकम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। तो गाइस इसके लिए हमने किया क्या है, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होने के लिए आपको कितने कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। स्टारबक्स का फ्रेंचाइजी लेना है, 2-2.5 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉरएवर के साथ बिजनेस करने के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू योर 2cc बिजनेस। 30,000 की टर्नओवर की आप लोग बिजनेस के अंदर एंटर हो जाओगे। नो नीड टू स्पेंड एनी मनी ऑन योर इन्वेंट्री या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पे, एम्प्लॉयज पे, बिल्स, कुछ नहीं देना, सैलरी कुछ भी नहीं देना गाइस। सिंपली 2cc करना है, इतना सिंपल बिजनेस आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर इंडिया में बिजनेस करना है ना गाइस, जीएसटी नंबर लेना, ये करना, वो करना, पता नहीं अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना, उसके नाम का पैन कार्ड बनवाना, उसके नाम का जीएसटी, ये वो, पता नहीं कितने झंझट होते हैं। पर क्या फॉरएवर में बिजनेस करने के लिए आपको कुछ मांगा गया? कुछ भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। सिंपल बिजनेस है, हर बंदा कर सकता है। अपनी बात बताऊं गाइस, मेरा नाम मनप्रीत है और फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग कर रहा था। ये मेरी कुछ कॉलेज टाइम की पिक्स हैं। तो कॉलेज में कोई बहुत ज्यादा मैं स्टडी करने वाला बच्चा नहीं था, मैं एवरेज था, वही 65-60% वाले बच्चे थे हम। कॉलेज में जाते थे, मैक्सिमम क्लासेस बंक करते थे। मैं जाता था कॉलेज 9 बजे और 12-1 बजे घर वापिस आ जाता था, ठीक है जी। मेरा मन नहीं लगता था, वहां पे घूमने जाते थे बस, कॉफी कॉफी पी वापिस आ गए। तो कुछ एम नहीं था लाइफ का, क्या करना है, कैसे आगे जाएंगे, कुछ भी नहीं था। बट वो एम मेरे को फॉरएवर में आने के बाद मिला। फॉरएवर में आने के बाद मुझे सबसे पहली चीज क्या हिट करी, जो मेरी वाई बन गई। पैसा हर बंदे ने कमाना, पैसा तो हर बंदे के लिए चलो
कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, वो तो हर बंदे ने कमाना ही है, ठीक है। बट मेरी वाय क्या थी कि मैं अपना नाम बनाना चाहता था। मेरे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेरे पापा की शॉप है, प्रिंटिंग प्रेस है उनकी, तो जब भी मैं जाता था ना, लोग मेरे को जानते थे पापा के नाम से कि भाई ये उनका बच्चा है, ठीक है ना, उनका बेटा है, दशमेश वालों का बच्चा है ये। तो मैं चाहता था कि मेरा खुद की एक नाम बने, खुद का कुछ ना कुछ, एक सेल्फ होती है ना कि अंदर से भी कुछ होना चाहिए यार, मुझे भी लोग मेरे नाम से जाने। तो आज मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि बिकॉज ऑफ फॉरेवर, आज जब मैं अपनी गाड़ी लेके निकलता हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई ये लड़का फॉरेवर वाला है। लोग ये नहीं बोलते कि ये दशमेश वाले का लड़का है, लोग बोलते हैं कि ये फॉरेवर वाला है, ये फॉरेवर करता है लड़का। मेरी एक अपनी इमेज बनी, समझ रहे हो गाइस? तो वो इमेज बनाने के लिए लोगों को 15-15-20 साल लग जाते हैं, अपनी अपना नाम बनाने के लिए। आपको भी पता, आपके एरिया में किसी बंदे का नाम बना होगा तो 15-20 साल से अपना काम कर रहा होगा, तब जाके नाम बना। बट कैसा लगेगा अगर आप 3-4 साल में अपना नाम बना लो? आज इस बिजनेस ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना, जो मेरे को सोचा भी नहीं था वो कुछ अचीवमेंट किए। बिजनेस को स्टार्ट किया था जीरो से, कुछ भी नहीं पता था, फॉरएवर का एफ नहीं पता था, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, कौन मेरे साथ आके बिजनेस करेगा, मेरे को कुछ नहीं पता था। बट गाइस आई टुक ए स्टेप, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर हिमालय भी चढ़ना है ना, स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हिमालय आपके नीचे आ जाएगी कि आप खुद ब खुद ऊपर चले जाओगे, एक स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। तो मैंने वो स्टेप लिया, एक डिसीजन बनाया कि हाँ भाई मैं करूंगा, स्टेप लिया, चैलेंजेस आए, सारा कुछ आया, फेस किया। Within 8 months मैंने अपना मैनेजर लेवल हिट किया। मैनेजर लेवल पे इनकम बताई जाती थी 60-70 thousand, बट गाइस मेरा मैनेजर लेवल का जो पहला पे आउट आया था वो आप देख सकते हो, लगभग 1,37,000, लगभग 1,37,000 का मेरा 8th month का इस बिजनेस के अंदर पे आउट आया था। 8th month, उससे पहले भी 20,000, 21,000, 15,000 ये पे आउट रहते थे मेरे, ठीक है गाइस। मैनेजर बना, ये मेरे फर्स्ट कार बाई की थी अपनी, ये सेकंड हैंड थी, मेरे को बड़ा उस टाइम पे होता था कि गाड़ी बाई करनी है। उसके बाद और मेहनत की, चेक इंक्रीज हुए 2 लाख 2.5 लाख, ठीक है ना, एवरेज पे आउट हो गया मेरा। उसके बाद मैंने अपनी इनकम से सेल्फ अर्न्ड वरना बाई की अपनी, ये गैस मेरे पास आज गाड़ी अपनी है, मेरे को बड़ा प्राउड है इस चीज का कि मैंने अपने दम पे ये गाड़ी बाई की है। लोगों को, मम्मी पापा को मांगते हैं कि मेरे को ये दो वो दो, ठीक है ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। गाइस आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर पावर है, मैं जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं ना उनको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, यू हैव द पावर, आपके अंदर एनर्जी है, इस पावर को ना खराब मत होने दो, इसको यूज करो। आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, आप 20-30 हजार कमाने के लिए नहीं बने हो, आप लाखों और करोड़ों भी कमा सकते हो, आप अपने सपने पूरे करने का दम रखते हो, ठीक है। चाहे तो इसको एज ए मोटिवेशन ले लो, चाहे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जगा लो इसके साथ, वो आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या करना है। बट गाइस आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद CSM मिस्टर हरी सिंगला ने मुझे मिलीनियर की ट्रॉफी दी, मैं मिलीनियर बना। मिलीनियर वो बंदा होता है जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाता है। 2017-18 में मैंने अपना मिलीनियर क्वालिफाई किया, मेरा नाम नेशनल लेवल की मैगजीन में आया, एक और नाम बना, रिस्पेक्ट मिली, ट्रॉफी मिली, 2,000-20,000 लोगों के सामने मुझे नवाजा गया था, लोगों के सामने ट्रॉफी मिली थी। पहले साल की इनकम 4.5 लाख, दूसरे साल की इनकम 10 लाख, तीसरे साल की इनकम लगभग 20 लाख। उसके बाद आज की बात करूं, लगभग 2 साल पुरानी IIT आ रही है, अभी न्यू अपडेट नहीं की, लगभग लगभग अगर बात करूं गाइस 70-80 लाख अर्न कर चुका हूँ मैं इस बिजनेस से। और अभी अभी रिसेंटली इस साल 2020 में आप पढ़ सकते हो, मेरा सिडनी का ट्रिप क्वालिफाई हुआ है गाइस। तो मुझे ना बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये मेल देखी, अभी 2-3 दिन पहले मेल आई थी कि यू हैव क्वालिफाइड योर कंफर्मेशन फॉर सोर टू सिडनी 2021। गाइस कैसा फील होता है, आपको पैसे के साथ साथ गाड़ी भी दे दी, उसके बाद आपको फॉरेन के ट्रिप्स भी फॉरएवर दे रही है, अभी इस साल ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिल रहा है। तो गाइस आई थिंक कि फॉरएवर को जितनी ज्यादा आप रिस्पेक्ट दे दो, जितना ज्यादा इसको आप चीजें बोल दो, मेरे को भी शब्द नहीं है फॉरएवर को बयान करने के लिए, आप खुद समझ सकते हो कि मैं जिस लेवल पे हूँ, मेरे को जो कुछ फॉरएवर ने दिया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो आप इस सिस्टम को समझिए, इसको सिर्फ लोगों की नजरियों से मत देखो, अपने नजरिए से देखो कि आपको फॉरएवर कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। फॉरएवर ने सिर्फ मेरे को फाइनेंशियली चेंज नहीं किया, मेरे को पर्सनली बहुत चेंज किया। मेरा वेट बहुत था पहले, बहुत मोटा था मैं, एंड राइट नाउ मेरा जो वेट है वो लगभग 70 kg है, पहले मैं 85-90 kg का था।
तो फॉरएवर ने मेरे को पर्सनली चेंज किया, फॉरएवर ने प्रोडक्ट्स ने मेरे को चेंज किया है, मेरे लाइफस्टाइल को चेंज किया है। गाइस मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, फॉरएवर में आए हो ना तो इसके प्रोडक्ट को यूज करे बिना मत जाना। फॉरएवर का नेक्टर या जेल अपनी और अपनी फैमिली को जरूर यूज करवाओ, बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, जो पिछले 20 25 40 सालों से कचरा जमा हुआ है ना पेट के अंदर, उसकी सफाई होगी। डिटॉक्सिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप खाते हो वो आपके फेस पे दिखता है, समझो इस बात को। तो आज फेस अगर अच्छा चाहते हो, अपनी बॉडी अपने एनर्जी लेवल्स को अच्छा करना चाहते हो, तो पहले इस पेट को साफ करना पड़ेगा, ठीक है, इसको डिटॉक्स करना पड़ेगा, इसके अंदर कितने ज्यादा केमिकल्स भरे हुए हैं। मस्ट यूज फॉरएवर एलोवेरा जेल, बिल्कुल भी इसको निगलेक्ट ना करें, मैं यही बोलूंगा, अपनी अपने लिए अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए। और ये चीजें अकेला नहीं, मेरी आज टीम में लगभग 10,000 लोगों को कोच कर चुका हूँ, मेरी टीम में बहुत सारी गाड़ियां आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने एक एक लाख के चेक को इंक्रीज कर चुके हैं। लगभग 10 से 12 लोग ऐसे हैं मेरी टीम के अंदर जो आज मंथली 1.5-1.5 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो गाइस सबसे बड़ी चीज क्या मिली, नेम भी मिला, पैसा भी मिला, गाड़ी भी मिली, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आज कितने ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, कितने ज्यादा लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, आज वो सारे के सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। बड़ा ही लकी फील करता हूँ, कभी बाहर जाते हैं ना चंडीगढ़ साइड ऑफिस वगैरह में, वहां पे लोग आते हैं, सर आपके साथ पिक करवानी है, तो वो जो फीलिंग होती है ना गाइस, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया लाइफ में, बट अगर 24-25 साल के लड़के को कोई आके बोल रहा है सर आपके साथ पिक करवानी है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, तो गाइस वो जो फीलिंग होती है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो अंदर से खुशी मिलती है ना कि आपने सच में कुछ लाइफ में अचीव किया है, वो पैसों से तोली नहीं जा सकती। तो गाइस ये सारी चीजें ना मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको दे देगा, इसीलिए फॉरएवर को बोलते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आपको लाइफ चेंज करने का मौका देता है। कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी गाइस टाइम आ गया है सरप्राइज का। जो लोगों ने हमारे साथ अभी अभी ज्वाइन किया है, उनको शायद टेंशन होगी कि सर 2CC कैसे करेंगे, सर मेरे पास तो 30,000 के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, मैं 2CC फटाफट करना चाहता हूं, बट मेरे पास 30,000 नहीं है इंस्टेंटली। तो गाइस उनके लिए गुड न्यूज क्या है कि आप अपने बिजनेस को 5,000 की बिलिंग करवा के इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हो। फॉरएवर की कंपनी ने पॉलिसी को चेंज कर दिया सिर्फ इंडिया के लिए, ओनली इन इंडिया। इसमें क्या है, 2CC करने के बाद आप स्पॉन्सरिंग करते थे, 20% कमीशन आता था, 35% डिस्काउंट आता था, और आप ग्लोबली बिजनेस रन कर सकते थे जब आप 30,000 की टर्नओवर करते थे। बट अगर आप अभी अपने लेवल को फटाफट डन करना चाहते हो, कि 30,000 कई लोगों के लिए बहुत बड़ी टर्नओवर है, मैंने तो एक हफ्ते में कर दिया था, तो बट हो सकता है कुछ लोगों को टाइम लग जाए, या वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, या मे बी दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टडी के साथ साथ कर रहे हैं, या कोई बंदा जॉब के साथ साथ कर रहा है। तो अगर उन लोगों को लग रहा है कि भाई 30,000 के लिए टाइम लगेगा, तो गाइस आपके लिए बड़ी शानदार गुड न्यूज है, 5K की बिलिंग करवा के आप अपनी बिजनेस में स्पॉन्सरिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। स्पॉन्सरिंग करिए, लोगों को रिक्रूट करवाइए, और आपका बिजनेस 5,000 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी 5,000 लगाने नहीं है गाइस, आप मैं पर यही बोलूंगा कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो ना, तो ये सोच के मत आओ कि मैं गंजे को कंघी बेच दूंगा। गंजे को कंघी बेचने का मतलब क्या कि मेरे में बहुत सारा स्किल्स है, मैं कुछ भी बेच दूंगा। गाइस ये हमारा काम सेल्समैन बनने का नहीं है, हमारा काम है बिजनेसमैन बनने का। जब तक आपको अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे फेथ नहीं होगा, आप कभी भी दिल से बोल ही नहीं सकते, आप दिमाग से ही बोलोगे। और हमारा काम दिमाग से नहीं चलता, हमारा काम दिल से चलता है। क्योंकि अगर मैं दिल से बोलूंगा तो वो मेरी कही हुई बात आपके दिल तक पहुंचेगी, अगर मैं दिमाग से बोलूंगा तो आप भी दिमाग से ही काम लोगे। तो गाइस हमारा काम तभी चलेगा जब आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को खुद यूज करोगे, कंज्यूम देम, देन शेयर देम। 5,000 की आप बिलिंग करवाने के लिए एक दो प्रोडक्ट्स खुद यूज करिए, बाकी आप अपने रिश्तेदारों को शेयर करके 5,000 की बिलिंग करवाइए फटाफट, और एक दो दिन के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। गाइस हम लोग रेडी हैं आपके साथ रॉक करने के लिए, धमाल मचा देंगे 2021 में। जो लोगों ने अपना डिसीजन बना लिए, फटाफट अपने जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिए, उनके साथ प्लानिंग्स करिए। हम लोग आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं, हम लोग आपको ट्रेनिंग्स देने के लिए रेडी हैं, पर शर्त यह है कि अगर आप अपने लाइफ को लेकर टोटली सीरियस हो और 100% देने के लिए रेडी हो, तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। गाइस इस बिजनेस में ट्राइंग माइंडसेट के साथ मत आइए। कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि फूल गया तो गोलगप्पा नहीं पापड़ी तो है ही, ऐसा सोच मत रखना गाइस।
ट्राई करने के लॉटरी माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में मत आना। ये बिजनेस कोई ट्राई करने का नहीं है, ये बिजनेस लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अगर आप अपने अपने आप को अगले 6 से 8 महीने हमें हैंड ओवर कर दोगे, हमें अपने आप को सौंप दोगे कि हाँ जी ये मैं सारा कुछ करने के लिए रेडी हूं, पर मैं मेहनत करूंगा और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूं, तो गाइस वी आर विद यू, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। बाकी गाइस बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया फटाफट उनके साथ अभी के अभी फोन कॉल पे कनेक्ट होइए और उनको बोलिए कि सर मेरे को अगली प्लानिंग दो, मैंने अगले 6 महीनों में अपना मैनेजर लेवल डन करना है और मैंने भी वो ड्रीम लाइफ एंजॉय करनी है। ठीक है गाइस, बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड गाइस, और टेक केयर, फटाफट फोन कॉल्स कीजिए। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय, ओके जी, लव यू ऑल।